अभी तो मैंने पांच चीजें बोली थी 100 में से, एंड इन लोग को 2 घंटे का रिप्लाई देना पड़ गया भाई। सोचो बाकी 95 चीजें बोलूंगा तो इनकी तो जिंदगी निकल जाएगी रिप्लाई देते देते। मेरे भाई जो तुमने काले काम किया ना, अब जनता को उसका सच बताने का समय है। मैं आज के स्ट्रीम पर जरूर आना, कुछ ऐसी बात बताऊंगा ना आपको जिसे देख के आपको घिन आएगी इस वर्ड से जिसको आप आज फॉलो करते हो। स्पेशली द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स आउट देयर, आप लोग तो जरूर आना। ठीक है ठीक है, स्टोरी देखो जिससे दिक्कत हो रही है लॉन्डो को। फाइनली खाली हो गया बीसी, 1 साल से बोल रहा था ओनली फ्यू विल अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? फाइनली खाली हो गया बीसी, 1 साल से बोल रहा था ओनली फ्यू विल अंडरस्टैंड। इसमें क्या गलत है? आपको कुछ टॉक्सिक लग रहा है इसमें? क्या टॉक्सिक लग रहा है बताओ, क्या टॉक्सिक लग रहा है? एक चीज टॉक्सिक लग रहा है, एक चीज टॉक्सिक लग रही हो तो मेरे को बताओ। बीसी भाई दिल्ली का हूं, लौंडे दिल्ली का, समझ रहे? हाँ बीसी है बस टॉक्सिक माना, और वो दिल्ली का हूं इसलिए भाई। अब भाई टट्टो को कौन समझा भाई, सीधी बात, ऋत्विक बिल्कुल सही बोल रहा है, टट्टो को कौन समझा, ये टॉक्सिक नहीं है, फैक्ट है। 1 साल पहले बोल रहा था, बात समझने की कोशिश की, क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं बस तू हाइड्रा को गाली कैसे दे दिया भाई, लौड़े मैंने हाइड्रा को गाली दी? हाइड्रा कहाँ लिखा है इसमें? कहाँ लिखा है बताओ मेरे को, हाइड्रा लिखा है कहीं पे? फाइजर 2019, ये भी लिखा 2019 में बोला था, 1 साल पहले वो नहीं था क्या क्लैन में बोल रहे? भाई मैं था क्लैन में लौड़े, था तभी बोला था डायनो को कि क्लैन में कचरा भर रहे हो, ये मत करो, एक दिन आप ही को पछताना पड़ेगा इसके चक्कर में। अपनी चैट पे बताया, अपनी स्ट्रीम पे बताया कि उसने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाला है कि बहुत टाइम से बोल रहा था भैंचोद। उसने बोला कि भैंचोद बीसी ये कोई गाली नहीं है, मतलब हाँ वो ये कह रहा है कि भाई हम दिल्ली से हैं तो बीसी हमारे लिए गाली नहीं है, तो भाई हम बॉम्बे से हैं, मादरचोद एमसी हमारे लिए गाली नहीं है, हमारे लिए गाली नहीं है, हम बॉम्बे से भाई, हम मुंबई के लड़के हैं, सैवेज, हम मुंबई के लड़के हैं, एमसी हमारे लिए गाली नहीं है, तुम्हारे लिए बीसी गाली नहीं है, हमारे लिए एमसी गाली नहीं है, सिंपल सी बात है। अब मुझे ये समझाओ, मेरे को कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज भी मानता हूं भाई एमुलेटर पे खेलना गलत नहीं है, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि गलत है एमुलेटर पे खेलना, खेलो यार, आप अगर एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा औकात में रहो ना भाई, अपने आप को प्रो बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप एमुलेटर पे खेल रहे हो तो अपने आप को एंटरटेनर बोलो, अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलो, अपने आप को प्रो प्लेयर क्यों बोल रहे हो भाई? मेरे को कोई दिक्कत, अगर मैं प्रो बोलता हूँ, सबसे पहला पॉइंट, मैं बोलता हूँ प्रो, ठीक है, मैं बोलता हूँ प्रो, तो तेरी गांड क्यों जल रही है? क्या तेरी गांड क्यों जल रही है? तू आके मेरा पीसी बना के दे रहा है क्या? तू आके मेरा पीसी बना के दे रहा है, तू मेरे घर पे आके इंटरनेट लगा के दे रहा है, तू आके मेरे को पबजी वर्ल्ड डाउनलोड करके दे रहा है, तू कुछ कर रहा है? तेरा कहीं पर रोल है क्या? तो देखो तेरी गांड क्यों जल रही है? तू खेल ले पीसी पे, तू प्रो बन जा, तू तू हेडशॉट मार ले, तू पट से हेडशॉट डायलॉग निकाल ले, तू पट से हेडशॉट को फेमस कर ले पूरे इंडिया में, तू पट से हेडशॉट को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दे, है ना? बाहर के स्ट्रीमर्स पट से हेडशॉट वर्ड यूज कर रहे हैं, बाहर के जितने भी कमेंटेटर्स है, सेवन वर्ल्ड गेमिंग जितने भी लोग हैं, वो पीएमसीओ मेन मेन लैन इवेंट में पट से हेडशॉट का वर्ड यूज कर रहे हैं। तू खेल ले भाई, तू बन जा प्रो, तू बन के दिखा दे, तू 6 मिलियन करके दिखा दे, तू मेहनत करके दिखा दे, ठीक है, तू मेहनत करके दिखा दे, तू बोल दे। भाई मेरे नाम पे इन्होंने भाई डिवाइन को निकाल दिया भाई क्लैन से, फाउंडर को भाई, वो बंदा लिटरली डायनमो के साथ मिलके क्लैन बनाया, उसको क्लैन से निकल उड़े, वाह भाई गॉड भाई, जस्ट बिकॉज वो मेरे साथ खेल रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि वो बंदा मेरे साथ आके मेरे को बोला कि भाई मेरे को आईजीएल की जरूरत है, तू मेरे लाइनअप में आ जा, बस इस चक्कर में उसको क्लैन से निकल उड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को तेरी, हाइड्रा को तेरी, सॉरी, बस इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ खेल दिया भाई। जी जी भाई, पॉइंट बोलना, तू उसकी पॉइंट क्यों कौन सी रिपीट मेरी कर रहा पॉइंट, है? कौन सी मेरी तूने पॉइंट? क्यों, तूने क्यों किक किया? वो अपनी पॉइंट बोल। हाँ मैंने इसलिए मैंने इसलिए किया कि तेरा किया कि फाइजर का तेरा लाइनअप फाइजर का था, लाइनअप तुमने था, परफॉर्म नहीं मैं किया, बोलूं मैंने देखो, किया, मैं मैंने बोलूं क्लियरली क्यों क्यों बोला किया था। तूने? मैंने हाँ इसलिए क्यों किया किया? जस्ट बिकॉज कि मैंने फाइजर को अपनी टीम में लिया, दैट्स व्हाई तूने किक किया मेरे को, एंड उसके बाद बहुत कुछ हुआ था जो कि हाँ लाइक ठीक तुम्हें है, अच्छे से फाइजर पता को है। मैंने, तूने फाइजर को लिया, मैंने किक कर दिया तेरे को, बात हाँ मानता है? सही बात है, ये इसलिए तूने किक किया मेरे को, सही बिकॉज सही बात है, एक तेरे सेकंड, को सही बात है, प्रॉब्लम अरे उससे थी। पॉइंट टू पॉइंट, वैल्यू टू वैल्यू बात करते हैं, सही बात है,
सही बात है, उसके परफॉर्मेंस के बेस पे, ना कि कोई पर्सनल ग्रजेस, ना कि कोई पर्सनल तेरा आदि से बहुत अच्छा दोस्ती था, तुम दोनों ने मिलकर क्लैन बनाया, व्हाट एवर इट इज, क्लैन बनाने का मतलब तूने क्लैन बनाया, तेरा उससे अच्छा रिलेशनशिप था, इसलिए तेरे को इतना आगे तक होल्ड करके चले, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बंदा, उसको भी प्रोफेशनलिज्म दिखानी पड़ेगी, ठीक है। हाइड्रा में कम से कम 4-5 लाइन पा के चले गए, क्या कंक्लूजन निकला, ई स्पोर्ट्स में हाइड्रा का सही से कहीं तक नाम नहीं है। और ये चीज बहुत पहले मेरे को डायनामो बता चुका था कि पीएमटी जो अल्फा ने कराया था, ये आखिरी मौका रहेगा हाइड्रा के सब लाइनअप के लिए, आदि क्लियर मुझे बोला था मलेशिया जाने से पहले कि जो लाइनअप जो क्वालिफाई करेगा या लाइक मैक्सिमम स्टेज पे पहुंचेगा वही लाइनअप एक्सपोर्ट्स रहेगा। और रही बात फाइजर की, फाइजर को इस यहाँ पे वीसी में बैठे हुए कितने बंदे हैं, ठीक है, सब एकदम मतलब बिल्कुल नहीं करते थे अल्फा हाँ या ना में जवाब देना, कोरिया ले जाने के लिए उसको किसने नाजिश किया था, मैंने बोला था कि लेके जा ट्राई कर, मेरे हिसाब से करेगा। यप, हैरी है, हैरी आज भी व्हाट्सएप ग्रुप में बैठा हुआ है, आज नहीं पता ई-स्पोर्ट्स में क्या लेना देना है उसका, लेकिन उसको रखा हुआ है ना क्लैन में क्योंकि रिलेशनशिप है। लेकिन एट द एंड ई-स्पोर्ट्स में हाइड्रा का तुम में से या अभी तक किसने क्या नाम कर दिया? हाँ तो अभी रखा हुआ है ना हैरी को क्लैन में, मेरे भाई तेरा लाइनअप है, हैरी तो है ही नहीं ई-स्पोर्ट्स में, क्लैन में और कितने बंदे हैं ऐसे? सर ये वीसी में डेंजर बैठा हुआ है, मेरे को नहीं मालूम ये अभी क्या खेला क्या नहीं खेला, लेकिन मैं इसका नाम अभी तक नहीं सुना स्पोर्ट्स में। चीजें उनको मौका मिलेगा तो परफॉर्म करेंगे ना, तुमको तो दिया है मौका, मेरे को मौका नहीं दिया गया था एक स्क्वाड है भाई, एक बंदे के पास अगर फोन रहा भी तो भाई अकेले कुछ नहीं कर पाता। अरे यार उस वक्त तुमको दो डिवाइस की जरूरत थी आई थिंक, ठीक है, तुम्हारे लाइनअप को हम लोग कितना, सुन मैंने हम देख, तू अभी जो टीम मेरी क्वालिफाई की थी ना उस टाइम, वो टीम फाइनल में जो क्वालिफाई की थी वो टीम को जाके तुम खुद पूछ लो कि भाई तेरा इंडिविजुअल डिफेंडर कैसा परफॉर्मेंस था, भाई मेरा अकेले का टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था भाई, बट अकेले मैं आगे टीम को जाके मैं फर्स्ट पोजीशन नहीं दे सकता, ठीक है, हमेशा तो भाई टीम को खेलना पड़ता है उस टाइम के लिए, एंड भाई टीम ही नहीं खेल पा रही तो मैं कैसे खेलूं, तो मैं उसके लिए अप्रोच किया डायनामो से, भाई मेरे को दिला दे भाई एटलीस्ट दो डिवाइस दिला दे ताकि मैं टीम खेल पाए, दो डिवाइस करके तो दिए तेरे ज़ॉम्बी और एको, मेरे को तो बंदों का नाम याद नहीं है लास्ट में ना, सुन डायनामो ने पता क्या बोला लास्ट में, डायनामो ने मेरे को लिटिल 3 हफ्ते झुलाया, बोला कि भाई मैं तुमको आरओजी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तुमको दिला दूंगा, तू होल्ड कर, मेरे को टाइम लग रहा है, वो गारंटी मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की बातें स्ट्रीम पे ना हो तो बेटर है। लास्ट में छोड़ ना, अभी तो बहुत कुछ बात हो चुकी है, अभी और क्या छुपा रहे हैं यहाँ पे, तेरी बात सुन रहा हूं, मतलब ये नहीं कि तू क्लैन की इंटरनल चीजें स्ट्रीम पे लेके आया, तो लास्ट में चीजें भी ठीक है, लेकिन भाई अब चल ठीक है, तेरा दो पॉइंट मैं समझ गया, एक सेकंड, तेरा दो पॉइंट समझ गया, पहले तू क्या बोला कि दो प्लेयर को मेरे को फोन चाहिए, किया मेरे बंदों ने नहीं किया, मेरी गलती है इसमें, उनके पास अगर फोन नहीं है मेरी गलती उसमें, ऐसी इंडिया, मेरे पास सुन, एक सेकंड
तेरी तू 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 कोई दूध का धुला नहीं है, मेरी बात सुन ले। इंडिया में ऐसी कितनी टीम्स है जो एक ओपो फोन पे खेल के या वीवो फोन पे खेल के क्वालिफाई कर जाती है। तो मुझे मत सिखा, तेरे बंदों के पास फोन नहीं है, मुझे मत सिखा। क्वालिफाई किया तो फिर तू कहाँ है अभी, क्या कर रहा है? क्वालिफाई किया ना तूने, क्या कर रहा है? हाँ तो भाई इंडिया में ऐसी कितनी लाइनअप है भाई, तू चैट में पूछ ले। चल मैं डायरेक्ट नहीं बोल, सुन सुन सुन, वो जो लाइनअप है भाई, सुन ले भाई, फोन नहीं होता उसके बाद भी पीएमसी के क्वालिफाई कर एक मिनट, कोई घोष बोली नहीं रहा, कोई ये बताएगा मेरे को कि डिवाइन गोया बुलाने का टॉप मकसद क्या है? मकसद यही था कि इसको कुछ फैजर के बारे में बात करेंगे, बट ये भैया फैजर के बारे में बात करना मेरे भाई, डिवाइस नहीं दिलाया, ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया, क्या इधर-उधर की बातें हो रही है? चल निकल, ये इसका काम हो गया। ये मतलब हर बार ये ऐसे पॉइंट बोल रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है और बस टॉपिक घुमाया जा रहा है उल्टा। भाई भाई डायनेमो, ये कोई पब्लिक इवेंट में जाके अपनी बुराई नहीं कर रहा था? हाँ वही, वो चीज तो हमने आउट नहीं करी है, तो वही तो अभी भी हो रहा है। अरे छोड़ यार, मेरे पास अभी डिस्कॉर्ड पे पूरे पावर है कि मैं इसको म्यूट किक मार सकता हूँ, फिर भी भाई ठीक है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोलने दो, पॉइंट बोलने दो, वैलिड पॉइंट बोलो ना यार। तुम्हारा फोन का पॉइंट तुम लेके आया, तुम्हारा फोन क्लियर कर दिया हमने, बात खत्म हो गई। थोड़ी ना कल को मैं बोलूंगा चार बंदे ये हैं मोबाइल में खेलते हैं, इनको लाके आईफोन 11 लाके दे दो परफॉर्म करेंगे। वही तो, कोई इन्वेस्ट करने से पहले चार बार सोचेगा तो सही, कुछ तो अचीवमेंट दिखेगा। अबे मैं जिन बंदों को जानता नहीं हूँ मैं उनको कैसे फोन दे सकता हूँ ब्रो? ना तो वो मेरे क्लैन में खेलते हैं, ना तो मैं पहले से जुड़े हुए। वो तुम चार बंदे लेके आ रहे हो कहीं बाहर मार्केट से उठा के, तुम मेरे को बोले भाई इसको अभी अभी फोन लेके दे, मैंने सर पे चूतिया लिखा हुआ है क्या? ना तो मैं उनके बारे में हिस्ट्री जानता हूँ, ना तो उन्हें किसी चीज पे क्वालिफाई किया, ना कुछ किया, ना कि उनका नाम है, ना वो ईस्पोर्ट्स प्लेयर है अच्छे खासे, ना लोग उनको कम्युनिटी में जानते हैं। भाई तुम मान लीजिए तुम अच्छे प्लेयर लेके आए, तुम बड़े बड़े प्लेयर लेके आए जिनको सब जानते हैं, जो ईस्पोर्ट्स में बहुत नाम कमा चुके, उनको लेके आ रहे हो, तुम उनको बोल रहे हो कि हाँ भाई ये इनके पास फोन नहीं है, इनका ये अचीवमेंट है, तो इनको दे दे, तो इंसान एक बार सोचेगा भी? तुम ऐसे ऐसे लोग को लेके आओगे जिनका भैंसोद कभी जिंदगी में नाम नहीं सुना, कभी किसी ने नाम नहीं सुना, तुम उनको लेके आ रहे हो, तुम बोले भाई इसको फोन दे, हम ये करके दिखाएंगे। भाई करके दिखाओगे? एक साल से करके तो दिखा रहे हो भाई, इंसान को सोचना पड़ता है भाई कि तुमने क्या किया है, उस बेस पे इंसान रिएक्शन देता है ना। सुनो पॉलिटिक्स, मैं आप बताता हूं आपको पॉलिटिक्स क्या होता है। पॉलिटिक्स होता है जनता को गुमराह करना। डैनो ने एक बार अपनी स्ट्रीम पे, एक बार कहीं पर भी पब्लिकली ये बोला है क्या कि उसने फाइजर को निकाला है क्लैन से? खुद बताओ क्या बोला था उसने? हमने फाइजर को डिमोट कर रहे हैं क्योंकि इसका पीएमएस में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ये बोला है, पॉइंट है ना? अब मुझे ये बताओ डिमोट करने का क्या मतलब होता है? डिमोट करने का मतलब होता है कि तू अब हाइड्रा से ईस्पोर्ट्स नहीं खेलेगा, ठीक है? उसके बाद मेरे को कॉल आता है कि तू क्लैन छोड़ दे और अपना सबको इंस्टा पे स्टोरी वगैरह डाल दे कि मैंने हाइड्रा छोड़ दिया ये वो। मैंने वैसे ही किया क्योंकि मेरे को लगा भाई डायनो बोल रहा है यार, अगर वो चाहता है कि मैं ना खेलूं उसके टीम के लिए तो क्या टेंशन है, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं तो नहीं खेल रहा, फिर कोई बात नहीं, मैं नहीं खेला उसकी टीम के लिए, फिर क्या दिक्कत हुई? लौंडे मेरे को आके बोलने लग गए, भाई तूने हाइड्रा को धोखा दिया, तूने हाइड्रा का फैन बेस यूज किया एंड डायनो को धोखा दिया। भाई मां कसम अपने भाई, अपने छोटे बचकाने दिमाग को ना हटाओ यहां से, सबसे पहली बात है छोटे बचकाने दिमाग को निकल। अब कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, मैंने बोला था कि तू नहीं कर पाएगा, मेरे को निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने उसको वो नहीं कर पाया, मैंने डिमोट कर दिया, मैं मेरे वर्ड्स पे था वो मैं उसको डिमोट कर दिया, ठीक है? अब बात आती है कि मैंने कभी बोला क्यों नहीं कि वो क्लैन मैंने निकाल दिया है, ठीक है? पहले बात करते हैं एक्शन की। मैंने उसने मेरे को फोन किया कि भाई मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या करूँ? मैंने बोला भाई छोड़ दे, क्लियरली मैं तेरे को डिमोट कर रहा हूँ, तू क्लैन छोड़ दे, अपना प्रैक्टिस कर, लाइनअप बना, लाइनअप पे फोकस कर, प्रैक्टिस कर और अच्छे से टूर्नामेंट खेल, अगर तू जीतेगा तू अपने आप को प्रूव करेगा तो तू आगे ज्वाइन कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तब तक के लेकिन तू क्लैन में नहीं रहेगा। ये मैंने हमारी पर्सनल बात थी, ठीक है? अब आप मुझे बात बताओ गाइज, क्या ये चीज़ प्रोफेशनली यूट्यूब पे या कहीं पे प्रोफेशनली अच्छी लगती है ऐसा बोलना कि मैंने मेरे क्लाइंट से बंदे को किक मार दिया, निकाल दिया मैंने, भगा दिया उसको? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? कितना बुरा लगेगा ये? कितनी इमेज कितनी खराब होती है उस बंदे की कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई लोग क्या सोचते कि भाई इसको तो किक मार दिया डायनो ने, राइट? इसको डायनो ने किक मार दिया, इसको निकाल दिया, ये हम नहीं बोल सकते ऑन स्ट्रीम या प्रोफेशनली कि मैंने अपने क्लाइंट से लात मार के भगा दिया उसको या किक मार के भगा दिया जस्ट बिकॉज उसने एक साल से कहीं पर परफॉर्म नहीं किया, मैंने उसको किक कर दिया। मैंने इसलिए ये वर्ड यूज किया डिमोट, मैंने डिमोट यूज किया ताकि प्रोफेशनली चीजों को लेके जानी चाहिए प्रोफेशनली, ताकि लोगों को बुरा भी ना लगे, बंदे को बुरा ना लगे कि भाई इसने ऑन स्ट्रीम मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसने बोल दिया कि मैंने किक मार दिया ऐसा वैसा। तो भाई ये दिमाग ये होता है एक प्रोफेशनल वे में बात ले जाना, ठीक है? तो ये रीजन था मैंने डिमोट बोला, मैंने कभी नहीं बोला कि भाई तेरे को मैंने किक मार दिया। ये हो गया पॉइंट।
तू कहते मेरे को कुछ याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, ये तेरे को याद रहेगा तूने कब किस पे रेड किया है, कब किस पे क्या किया है, कब किस पे क्या किया है, सब याद रहता है। ये याद नहीं रहता कि तूने अपने बंदों को सपोर्ट नहीं किया कभी जिंदगी में, ये याद नहीं रहता कि हम बहन चुप मर गए तेरे से बोल बोल के एक साल तक कि हमारे एक लॉन्डो को डिवाइस दिलाओ तो हम PM Show खेलने जा रहे हैं, हमारे लॉन्डो के पास डिवाइस नहीं है खेलने के लिए, बोल रहे हैं इतना भर भर के टैलेंट, आप लोगों को तो पता ही यार, आप तो फैंस हो, हाइड्रा में कितना टैलेंट था सोचो, बाहर गए हुए हर टीम का एक एक बंदा हाइड्रा से, अभी लेटेस्ट अचीवमेंट बताऊंगा ना स्पाइडी, कब से हाइड्रा में बता, कब से है, उसको क्लैन से निकाल दिया क्या जब एशटैग वाली बकचोदी हुई तो, वो बस इतना बोला कि एशटैग हाइड्रा का नहीं है, सिर्फ मैं हाइड्रा का हूं, इस बात के लिए उसको टीम से किक कर दिया गया, क्योंकि डैनो अपनी स्ट्रीम पे बोल चुके थे कि भाई एशटैग तो हाइड्रा का लाइनअप है, अबे लौड़े तूने हाइड्रा के ईस्पोर्ट के लिए कुछ किया है जिंदगी में, कुछ किया है, अल्फा को को लीडर बनाना पड़ा तेरे को क्योंकि तू एक लाइनअप स्पॉन्सर नहीं कर सकता था, क्या बोला तेरे को कौन बुला रहा है, नहीं बुलाया बुलाया मैंने उसको, क्योंकि तुम वहां पे बहुत ज्यादा फैजर की चैट में उड़ रहे थे ना, तो अब नहीं दिया गया तुमको डिवाइस, नहीं दिया गया अभी तो तुमको फॉरेस्ट अच्छा। में डिवाइस तो मिला था, क्यों निकल गए वहां से भाई, चल ठीक है डिवाइस की बात करते हैं, डिवाइस की बात करते हैं ब्रो, अल्फा तूने क्या क्या जरा बता दे भाई, डिवाइस की बात करते हैं, डिवाइन मैंने सुन नहीं 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 डिवाइन डिवाइन अब तुम सुनो रुको, अल्फा तू बोल, नहीं नहीं भाई अब बात सुन ले भाई, डिवाइस की बात हो रही है जरा सुन ले, जब तेरी मॉम को प्रॉब्लम थी, जब तूने मुझे फोन किया था, अभी कोई कोई डायनेमो अपने काम में बिजी था, बीटी अपने काम में बिजी था, मैं भी अपने काम में बिजी था, बट फिर भी हमने मैंने हाइड्रा की तरफ से तुझे फोन दिया था कि नहीं दिया था, फोन का पैसा दिया था कि नहीं दिया था, कौन सा फोन दिया था, ठीक है कौन सा फोन दिया था, देख फोन दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा दे रहा है, डायनेमो चूतिया, बीटी चूतिया, ऐसा कौन सी बात कर रहा है तू, क्या बात कर रहा है, वो तूने दिया था, आज मैं हाइड्रा में हूँ कि हाइड्रा जितना भी पैसा मैं कमा रहा हूँ वो किसकी वजह से कमा रहा हूँ, हाइड्रा क्लैन की वजह से, अगर मैं पैसा निकाल रहा हूँ कहीं से तो किस वजह से निकाल रहा हूँ, हाइड्रा क्लैन की वजह से, पैसा मैं निकाला तेरे को 10,000 दिए, मुझे मैंने तेरे को तेरे मुंह पे पूछा था कौन सा फोन चाहिए तेरे को, तूने बोला मेरे को अभी वन प्लस से काम चल जाएगा, मैंने बोला ठीक है बुक कर ले, तेरे को EMI का जो भी एडवांस का तेरे को क्या होता है वो पहले पैसे भरने पड़ते हैं थोड़े, वो मैंने बोला कितने हैं, तूने बोला 15,000 रुपए, मैंने तेरे को 13-15,000 कुछ तो कर दिए थे पता नहीं, उसके पहले तेरे जियो के कितने रिचार्ज भी कर रहे हैं, मेरे को तो हंसी आ रही गिनाने में, बहनचोद छोड़ दे मत गिना, अच्छा नहीं लगता, डिवाइन डिवाइन मेरी बात सुन, तू बोल रहा है तेरा एक्सप्लेन कर तेरा पॉइंट समझा, मैं और एक बात यहाँ लाना चाहूंगा, जो लोग बोलते हैं ना कि हाइड्रा में सपोर्ट नहीं मिलता, न्यूक्लियर तेरा माइक खोल ब्रो, खुला है ना न्यूक्लियर, आपके नए CPU आपका लैग होता है गेम राइट, न्यूक्लियर एलिट में आपके नए CPU का पैसा किसने दिया था, अल्फा क्लैशर, और अल्फा ने आपको कुछ डिमांड में मांगा, साला ये सब चीजें स्ट्रीम पे बोलने की जरूरत नहीं, बंदों में अंदर है ना, नहीं बोलने की जरूरत, बंदे बोलते हैं भाई कि तुम साथ में खेलते नहीं हो, भाई ये चीज अगर बाहर आ गई ना एमुलेटर क्लैन में, मेरे को इससे अच्छा क्लैन लाके दिखा देना, ठीक है ये तो डायनामो का दोस्ती है उससे, एडिवाइन से, जो इसको 8-9 महीने इतना खींच भी लिया, ठीक है, और न्यूक्लियर में तेरे को क्या बोला था, न्यूक्लियर तू 10K कलेक्ट कर ले, 10-12K में तेरे को बाकी का 10K दे दूंगा जीपी लेने के लिए, बोला था कि नहीं बोला था, और लाइक तुम जो बोल रहे हो ना गाइस चैट में कि मतलब ही क्लैन है, भाई हमको पता है इधर किसको कितना सपोर्ट करना चाहिए, न्यूक्लिया बहुत दिनों से इधर बैठा है, उसका लिटरली लैग करता है एलिट में, उसका लैग करता है, इसको हमने खिलाया नहीं एलिट का श्रमिक हफ्ता क्योंकि इसका लैग करता है, मैं डायनामो को कम से कम 10 बार तो मैं सुना चुका था कि हाइड्रा में क्या जरूरत है 4-4 मोबाइल लाइनअप की, कोई आता नहीं आता है, नाम यूज करके यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके निकल जाता है, डायनामो को एक रिप्लाई रहता है, ब्रो अगर मेरे नाम यूज करने से या हाइड्रा का नाम यूज करने से उसका चैनल चल रहा है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है वो, मेरे पापा जी ने सिखाया है कि थोड़ा वो दान पुण्य भी करना चाहिए, ये चीजें इनको समझ में नहीं आती है पब्लिक को, तो सुनो कुछ लोग हैं क्लैन में अभी भी है जिनको ये तक कंफ्यूजन है कि को लीडर कौन है, मजाक नहीं कर रहा, एक दूसरे में ही लड़ते रहते हैं कि मैं को लीडर हूं, वो लोग आज मेरे पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, भाई पहले तुम डिसाइड कर लो भाई, मैं जिनको कंफ्यूजन है कि को लीडर कौन है, भाई मैं मेरे को पता भी नहीं है मोबाइल लाइनअप में कौन लोग आते हैं कौन नहीं, मेरे को लेना देना भी नहीं है भाई, मैं पूछने भी नहीं जाता, मैंने आज डायनामो को पूछा कि भाई मोबाइल टीम में कौन खेल रहा है, तो अगर मैं मोबाइल टीम संभालता नहीं हूँ तो भाई मैं किस बात का को लीडर लू, एमुलेटर बंदे आने ही नहीं वाले क्लैन में, किस बात का को लीडर लू भाई, मैं बताओ यहाँ अल्फा मोबाइल टीम्स को मैनेज करता है, उनको अलग अलग कस्टम में स्लॉट दिलाता है, एमुलेटर प्लेयर्स की हेल्प करता है, उसका कोलीडर बनना जायज है, और अल्फा के स्ट्रीम पे एंटरटेनमेंट करने के लिए हम लोगों ने कोलीडर का बकचोदी शुरू किया था,
अगर बक्चोदी को भी साइड में रख, बक्चोदी को भी साइड में रख, लीडर कौन है, कोलीडर कौन है, उससे तेको क्या लेना देना, तुम तुम्हारे चार बंदे हाँ। तुम्हारा काम करो ना, तुमको खेलने बुलाया है, परफॉर्म करने बुलाया है, तेरे को क्या लेना देना है कोलीडर कौन है कौन नहीं भाई है? बोलने को जब नहीं होता ना कुछ तो दुनिया भर की बातें बोलते हैं लोग, वही खाली दिमाग। क्यों गांड मस्ती कर रहा है ब्रो, 1 मिलियन वाले बंदे हैं अभी भी क्लैन में, बिना थूक मरवानी है क्या तेरे को? आपसे कोई ऐसे बात करेगा, आप उससे कैसे बात करोगे बताओ मेरे को? मैंने गांड मस्ती की यहाँ पे? मैंने क्या गांड मस्ती की बताओ, लिटरली क्या गांड मस्ती की बताया है ना? खाली जो चीज मैंने 1 साल पहले बोली थी करने को, वो तुम लोग अब कर रहे हो, बढ़िया है, इसमें गलत क्या है? मैंने कुछ गलत बोला? मैंने गाली दी किसी को? मैंने ऐसे बोला कि बिना थूक के गांड मार देंगे तुम सबकी, हाइड्रा वाले बिना थूक के अपनी गांड मरवा रहे हैं, ये सब प्रोफेशनलिज्म है? ऐसे बात करते तू किसी से? अपने बाप से ऐसे बात करेगा तू? बाप हूं बेटा तेरा, तेरे से 4 पैदा कर दूंगा एक साथ, समझा? मैंने इससे पूछा वाई बींग टॉक्सिक, कह रहे तू टॉक्सिक हुआ पहले, मैं टॉक्सिक हुआ, बता भाई इसमें क्या टॉक्सिक है? फाइनली खाली हो गया बीसी, 1 साल से बोल रहा था, क्या गलत है इसमें बताओ? दिखाता हूँ, रुको रुको गाइस, मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैंने फाइजर को क्या डीएम किया था। ये देखो, इसने खुद ने ही खोल दिया है, ये देखो, ये सर की है, ये देखो मेरा क्या है यहाँ पे रिप्लाई, भाई क्यों गांड मस्ती कर रहा है ब्रो, 1-1 मिलियन वाले, 6-6 मिलियन वाले बंदे हैं अभी भी क्लैन में, बिना थूक के मरवानी है क्या तेरे को? तो ये मेरे को बोल रहा है वाइपिंग टॉक्सिक, मैं उसको बोला भाई टॉक्सिक तो तू हो रहा है या मैं हो रहा हूँ? तो वो बोलता है क्या बोला मैं तेरे को? तो मैं बोला भाई मेरे क्लैन को, तेरे को किसी ने पूछा कि क्या खाली हुआ क्या नहीं हुआ? हमने ऑन स्ट्रीम तेरी अडिवाइन की गांड मारी, थर्ड पार्टी चुतियावा किया तुम लोगों ने वो 4S का कॉन्ट्रैक्ट लेके, मैं बोला बता तू ऑन स्ट्रीम तुम्हारी भी गांड मार सकते हम। सही में यू थिंक दैट? थिंक दैट मतलब क्या भाई, अब इन्होंने ये जो किया है तो बोलना ही पड़ेगा इनको। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.